सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासर जमील हाजरे खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है ओह सी पाकिस्तान दे एक बहुत वड्डे दानिशवर, एक बहुत वड्डे रिफॉर्मर और खास तौर पर कम्यूनल प्रॉपर्टीज़ वास्ते और कम्यूनल प्रॉपर्टीज़ चों भी खास तौर पर जिहड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां दे मैं कहांगा एक मसीहा दे नाल जिहड़ा है वह असी अज दी गल जिहड़ी है कर रहे हैं और अज दा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम क्योंकि एक लंबा प्रोग्राम है और इहदियां जिहड़ियां मुख्तलिफ जिहड़ियां तुहानू किस्तां ने वह इहदियां मिलदियां रहणगियां और असीं कोशिश करांगे कि इस जिहड़ा सिलसिला है इहनू तुहाडी पूरी जिहड़ी दिलचस्पी है उहनूं कायम रखण वास्ते असीं बहुत ज़्यादा लेंथी जिहड़े एपीसोड्स ने उह तुहानू ना देईए, सगों असीं इहदियां इहदे टोटे करके देईए। एनसीसी इसी तरह चलेगी फ्यूचर, क्योंकि एनसीसी भी अदारा है, ये गरीब हो जाए अमीर हो जाए काम करे ना करे चलता रहेगा, जैसे कोई मुल्क जैसा भी है चलता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एनसीसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आजकल जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि कैन वी यूनिफाई द क्रिश्चियन कम्युनिटी, यस वी कैन डू दैट। ऑर्गेनाइजेशंस लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कमज़ोर हैं या उनको कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन टारगेट किसी के पास नहीं है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और कहते हैं जी हमारी आबादी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो आबादी को गवर्नमेंट नहीं गिन के देगी आपको, अनटिल यू डू योर सेंसस योर सेल्फ एंड गिव देम रिकॉर्ड एंड पुट ऑन द फेसेस ऑन द गवर्नमेंट, दिस इज आवर सेंस। कम्युनिटी की यगानकत और कम्युनिटी का नंबर एनसीसीपी और दूसरे अदारे मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ये पादरी साहबान चर्चेज लड़ते रहते हैं। मैंने 73 में एक जायचा पेश किया था, प्रॉबली 1980 या समवेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त सेंसस, मेरे पास वो किताब भी पड़ी है, उसकी बुनियाद पर मैंने पाकिस्तान में जो हिस्सा आया उन फैमिलीज़ को देख के मैंने किया, तो उस वक़्त भी वो 75-76 लाख लोग बनते थे 73 में। तो अब इस बात को 73 से अब कितने साल हो गए, तो करोड़ों में जा सकते हैं आप, लेकिन कौन बताएगा उनको, गवर्नमेंट नहीं बताएगी, सेंसस कमीशन नहीं बताएगी, हमें खुद करना है। दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी फॉर पॉलिटिकल पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर मैनी अदर पर्पसेस। आज मैं शुरू करूँगा नाली मुखालमत शुरू हो जाएगी, कहते जी 90 साल नया की काम लेगा, आजकल ये बात हो रही है जी, होती है कि नहीं होती। तो मैं कहना जी मैंने उठा दे, वो लाया वो पैर वहाँ, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठा, मैं तो ओपन। एक दफ़ा बिशप हम्फ्री मेरे पास थे, आज के 4-5 साल पहले की बात है, मैंने कहा बिशप साहब कोई आदमी दो सानू कि की करना है, मैं कहा मेरी जगह थे कि तुहानू की होया, मैं कहा मैंने तो कुछ नहीं, कहते बैठे रहो, अब मैं क्या करूँ। बिश मजीद देवल को सर्च कमेटी का चेयरमैन बनाया, 7 साल हो गए एक बंदा नहीं पेश कर सकता, गया क्यों लाया। अब मैंने जब मैं कोरोना से उठ के आया, मैंने खुदा से दुआ भी की, एक शख्स मुझे मिल गया कैनेथ, जिसने यहाँ काम भी किया, उसका तजर्बा है, ये सारा कुछ है। मैंने उससे बात की, कहते हैं ठीक है अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ, उसको मैंने रख लिया एज डिप्टी। 6 महीने के बाद वैन एवर द अप्रोप्रिएट टाइम आज आया, अभी रहने हो गए। मुझे मैं पर चांस आया था, पर चांस जाऊँगा, मुझे किसी ने नाम यहाँ पे बुलाया था, खुदा की तरफ से आया था। अब ये बात है कि हमें इस वक्त ज़रूरत है यूनिफाइंग ए क्रिश्चियन कम्युनिटी फॉर पॉलिटिकल पर्पस, एंड अगर आपके पास ये फिगर हो तो हर एरिए का आपको पता होगा कहाँ तालीम याफ्ता हैं, कहाँ अनपढ़ हैं, कहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ ठीक है या कहाँ नहीं ठीक, ये आपके पास आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स, ये हमें करने चाहिए, हमें इसको करने की ज़रूरत है। यूनिफाइंग क्रिश्चियन कम्युनिटी टाइटल उसमें से है,
और अगर हम सेंसेस को हाथ डालें, साल लग जाए, दो साल लग जाए, कम से कम कुछ तो बने। मैं सेनेटर का इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। देखिए, अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव टू वर्क आउट आवर सेल्फ। इस्लामिक कंट्री में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये ओपन बात है, ओपनली कहनी चाहिए। आपके चार पांच बंदे सिलेक्ट करके रख लेते हैं, वो बोलने जो कि नहीं होंगे। या तो आप नेशनल इश्यू पे बोलें, चाहे दो ही हो तो आपकी वैल्यू हो, चुप करके बैठे रहने। इसलिए कि अनपढ़ आदमियों को ले जाते हैं, जिनका कोई नॉलेज नहीं होता वो बोल नहीं सकते। वो किसी के खिलाफ ही बोलो ताकि तभी कोई फर्क पवे क्या बंदा साढ़े खिलाफ बोलता है। किसी के फेवर से बोलो, जो मुल्क की मुश्किल है उसमें बात करो। लेकिन हमें इनलाइटेंड पर्सन की ज़रूरत है जो वहाँ जाएँ, अनपढ़ बैठे हैं सारे। ये तो मानेंगे आप, तो कैसे तरक्की कर सकते? नहीं हो सकता। मैंने सेनेटर इलेक्शन नोइंग कि मैं हार जाऊंगा, मुझे पता है नवाज शरीफ के वोट ज़्यादा है, मैं पीटीआई की तरफ से गया था, मुझे पता था मैंने हार देना। मैंने कहा चस्का लो, ठीक है। गवर्नर सर्वर मेरे साथ होता था, इसके घर में खाना छाना भी खाता रहा हूँ, ये हम इकट्ठे थे, ये भी इलेक्शन सेनेटर का लड़ रहा था, मैं भी लड़ रहा, तो इसको मैंने दो वोट भी दिलवा दिए थे जंग से। तो ये हमारी ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पर गौर करें। लेकिन यहाँ पर चर्चेस को अपने माइंड इकट्ठे करने की ज़रूरत है। चर्चेस का मतलब ये है कि चर्च लीडर्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स बनाने के लिए उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक खानदान बाप माँ अनपढ़ होते हैं, लेकिन किसी ने या उन्हें बता दिया जाए कि तेरे बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, वो सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। तो ये चर्च इकट्ठे हो गए, यह काम नहीं कर सकते क्योंकि नहीं के जरिए होना। वैसे आप कोई सेंसस कमीशन तो नहीं बना सकते ना कि आपके एम्प्लॉई होंगे, फॉर्म लेके फिरेंगे घर घर। ये चर्चेस करेंगे अगर करें और कर सकते हो। ये ख्वाब है, बाहर से पैसा आता है, हम मीटिंगें कर लेते हैं। किस किस्म की इंटरफेयर था आपने? हु केयर्स फॉर यू? आपकी लड़कियां अगवा हो जाती हैं, आपके लोगों को मुसलमान कर लेते हैं। कोई मौलवी बोला कभी कि ये गलत हो रहा है? तो इंटरफेयर कहाँ? चंद मौलवी बना आगे चाय शाह पी के रोटी खा के गए, इंटरफेयर हो गया, बाहर तस्वीरें भेज देते हैं। आई डोंट लाइक इट। अपने बलबूते पर करो जो कुछ करना है। ये मेरे हकीम साहब हैं, लाखों में इसकी फॉलोइंग है, मेरे घुटनों को हाथ लगाते हैं। इसके मरीज देख के हैरान होते हैं कि ये पी रहे, ये पी रहेगा। इसको तो आप इंटरफेयर कहते हैं, लेकिन कोई मजहबी बात नहीं है, सोशल है। हमें इंटरफेथ की बात नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द फेथ कम्युनिटीज, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस पे बात करें, इंटरफेथ तो एक है, मजहब की प्रीचिंग ही है ना, एक दूसरे का एक्सचेंज है, वो नहीं कर सकते आप। वो एक आयत बोलेंगे तो ही दौड़ जाओगे, आप ठहर नहीं सकते। सोशल कॉन्टैक्ट्स, सोशल डीलिंग्स बिटवीन द फेथ कम्युनिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टॉकिंग अबाउट इंटरफेथ। नाजरीन, तुम देखा है अज की किस्त के विक्टर राय साहब ने अज का जो टॉपिक दिता से उन्होंने वो गलबात की है। अज के टॉपिक के हवाले अगर तेरे कोई सवाल होमेंट होर सच्चाई हो
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਐਸਾ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਖਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਖਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਨੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।